मैंने जो है अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था। तो ये आ गए जी हम लोग स्विमिंग पूल देखने इस बिल्डिंग का, और इसके जो जितने भी फ्लैट्स होते हैं रिवेरा बिल्डिंग के जो शारजा में, ये सारे के सारे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसी बिल्डिंग में हमारा सैलून भी अच्छा। यार बर्थडे किससे नाम Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Tareen's Vlog. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी मज़े में हूँ, आज घर पे रिलैक्स कर रही हूँ और आने वाले कुछ दिनों तक जो है मैं रिलैक्स करती रहूँगी, क्योंकि मैंने जो है अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया था और जो कि मैं बताती जाऊँगी आपको आने वाले वक्तों में। अभी जो है सुबह का वक्त तो नहीं है, खैर 12 बज चुके हैं, लेकिन 12 बजे जो है अभी मैं नाश्ता करने वाली हूँ। और अगर तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली अभी सब्सक्राइब कर दें, आने वाले वक्तों में आपको बहुत से अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं, क्योंकि अब मैं हूँ घर पे और घर पे रहकर जो है ना मैं अब सही से फोकस कर सकती हूँ अपने व्लॉग्स पे। मैं मेरे काम की वजह से जो है मेरे व्लॉग्स इफ़ेक्ट हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब जो है ना अब तो मैं घर पे हूँ ना, रिलैक्स कर रही हूँ, साथ ही साथ अब आप लोगों को अपडेटेड रखूँगी। तो चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आ गया है जी एज़ यूजल मेरा नाश्ता, जो कि मैं हमेशा करती हूँ बिकॉज मुझे सुबह सुबह जो है लाइट नाश्ता करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी चाय भी आ चुकी है, मेरा सैंडविच भी आ चुका है, तो लेट्स स्टार्ट। नाश्ता मैंने कर लिया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूफी जो है सो रहे हैं, और फूफी को अब आदत होगी हमारे साथ सोने की, तो वो हमेशा जो है हमारे साथ इधर बेड पे आके सो जाता है। क्या हुआ फूफी, हाँ नींद पूरी की आपने? बस अभी ये सो के उठा है, अब फिर खाना मांगेगा। तो जी गाइस, दिन में जो है ना मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, उसके बाद नाश्ता खाया, सफाइयाँ वगैरह की जो कि मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं की। हाँ नाश्ता किया, ओके। तो अब मैं आई हूँ बाहर फैमिली के साथ, मामा ने ग्रॉसरी करनी थी और साथ साथ जो है मुझे थोड़ा काम था, एक मीटिंग थी, और अभी हम लोग गोस्टा में बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे अब्बा हैं, ये सामने सुमन भी आ गई थी, अच्छा इन बिटवीन जो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये मेरी मामा बैठी हुई है यहाँ पे, और ये मामा की कॉफ़ी आ चुकी है, और ये ड्रिंक है स्पेनिश लाटे, और उनका भी स्पेनिश लाटे। अब्बा कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे बैठे हुए? अच्छा लग रहा है ना, हमने आज आपको रंगे हाथों और क्या कहते हैं लाल हाथ रेड हैंड पता नहीं, यस हमने आपको पकड़ा है, और आज आपने ना लाल पहना हुआ है। क्या कर रहे थे आप? रेड फ्लैग क्या कर रहे थे आप? सैलून के बहाने निकलते हैं अपने काम के बहाने, और बाहर बैठ क्या करते रहते हैं आप? Sometimes you need your peace of mind and me time. Ah, so you were having your me time in the car? Yeah, I love sitting in the car, being in the car. अच्छा हुआ क्या ना? Especially in this weather. In this weather, अभी हुआ ये कि हम लोग जो है घर से आए और सैलून की जो पार्किंग है स्पेसिफिक, तो हमने यहीं पे आना था कॉस्टा पे, तो हमें लगा बाबा जो है वो ऊपर होंगे, सैलून पे होंगे, अपने बिजनेस पे होंगे। तो हमने जब पार्क की बिल्कुल ही एग्जैक्ट उनकी गाड़ी के साथ हमने पार्क किया, देखा पापा गाड़ी में बैठे हुए माशाल्लाह। नहीं मैंने पहचान नहीं थी कि कौन सी गाड़ी, जो मेरी गाड़ी में मारने वाली थी। अच्छा मारने वाली थी, ऐसा लग रहा था। मैंने सुमन को बोला कि हमारी गाड़ी है मत मारना, नहीं पता था, बाद में नजर आए आप। तो चलें हम लोग ये इंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है। और आज एक और चीज़ मैं आपको बता दी, चलो मेरे भाई की बर्थडे है और आज हम लोग उसको छोटा सा सरप्राइज करने वाले हैं, अगर टाइम हुआ। ओके चले आज हम उसको छोटा सा सरप्राइज करेंगे, कुछ छोटा सा केक ले लेंगे और फिर करते हैं कुछ, सो कीप ऑन वॉचिंग। तो ये आ गए जी हम लोग स्विमिंग पूल देखने इस बिल्डिंग का, और इसके जो जितने भी फ्लैट्स होते हैं रिवेरा बिल्डिंग के जो शारजा में, ये सारे के सारे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और ये रहे बाबा, और इसी बिल्डिंग में हमारा सैलून भी है इसी बिल्डिंग में हमारा सैलून भी, अच्छा तो खैर। और यहाँ पे जिम भी है और मिक्स जिम है, इट्स अ वेरी गुड बिल्डिंग, आई विल शो यू दिस वन। तो जी अब यहाँ से हम निकलते हैं विशाल के लिए, केक पिक करते हैं और फिर उसको सरप्राइज़ देते हैं। मुझे लगता है ग्रॉसरी भी करनी थी, उसका तो टाइम रहा नहीं है,
बट लेट्स सी व्हाट इज गोना हैपन। तो केक वगैरह मैंने ले लिया है और अभी हम लोग आए हैं, थोड़ा ग्रॉसरी करनी थी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, दूध दही वगैरह लेना था, तो बस अभी वो लेंगे। और तकरीबन 11 बजे कुछ मिनट हो रहे हैं, तो बस थोड़ा सा टाइम रह गया, फिर चलते हैं घर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे मामा जो है वो एक्सपायरी डेट्स वगैरह चेक कर रही हैं हर डेयरी प्रोडक्ट की। मिला लेकिन सारे पुराने तो कितने पुराने हैं? 26 है ना। हाँ बैठने मुझे इसके अंदर किसके अंदर बैठना तूने दिखा तो इस पर बैठेगी तो ये चलेगी ही नहीं सुबह। चल तू बाबू सुबह हाँ लूज किया है, दिख रहा है दिख रहा भाई पता भी है बट अभी भी इतना स्लो स्लो है ना, स्लो स्लो से वो ग्रोसरी कही है। मेरी मम्मा क्या आदत है, तू जितना भी 10 मिनट भी रह रहे होंगे ना मामा फिर भी कभी भी जल्दी नहीं करेंगे, मुझे पता है मामा का। मामा तो जिन लोगों ने ले लिया ग्रोसरी अब हम लोग चलते हैं घर। सुमन क्या टाइम हो रहा है? 11:31 पहुँच जाएंगे ना आप इंशाल्लाह। अभी सांभी को पिक करेंगे, अभी सांभा भाई को पिक करते हैं, फिर पिक नहीं करना, फिर चलते हैं। वो सांभा भाई को छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे ना, उसको पता भी नहीं था, उसको पता भी नहीं था, उसको हमने याद दिलाया। किधर खड़ी की थी तूने? तो ये हम लोग आ चुके हैं सारी की सारी चीजें लेके, और अब हम ऊपर जाते हैं, मिशाल को सरप्राइज करते हैं। मिशाल का बेस्ट फ्रेंड भी इधर है। क्या कहना चाहेंगे आप मिशाल के सालगिरह पे? सालगिरह 25वीं सालगिरह पे, 25 साल का हो गया। हाँ उसके दौर के कमे मर गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? गेट वेल सून। बीमार नहीं है, बर्थडे है उसका। तो चले आप सरप्राइज करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे रेडी कर दिया, अब हम उसको बुलाते हैं। हैप्पी बर्थडे हो गया, चलो चलिए बाहर चलो ड्रामे सोने ना देना। सो तू गया था, मेरे नजर आ रहे थे ना, सो गया था। पता था जान के मुझे एक्टिंग करेंगे, उठाएंगे, ये करेंगे। मैं भी गई, कहते हट यहाँ से, चल चल आप बाहर आ बाहर। तूने अभी तेरे मेरे आवाज सुनी ना, तो मेरा जो है ना दिमाग घूम गया कि ये किधर जा। चलो आजो आजो, मेरा फूफी भी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है, आजो। वो देखो डर रहा है। तो मिशाल कैसे लगा आपको हमारा सरप्राइज? अच्छा था, अच्छा था। आप सो रहे थे? हमने कितने कर रहा था यार, आज हार्ट मॉर्गन में भी किया है ना। अच्छा आज ही कर दिया, आज ही किया। अच्छा तेरा बर्थडे हो गया, हमने कितने कर रहा था ये ड्रामेबाज। किसने केक मंगाया? किसने केक मंगाया? जो मंगाते होते खुद ही। चलो बैठ बैठ। कैसे लगा तुम्हें केक? लाइटर है ना, क्यों नहीं है? चलो लाइट तो लेके आओ। हाँ नाइस है, ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल। चलो विशाल बर्थडे लेट हो रही है, चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, छुरी किधर है? हैप्पी बर्थडे डियर मिशाल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी 25th बर्थडे। तुम्हारे हमारे ऊपर मत फेंक, तुम्हें सुमन तो प्लेटे कौन लाए? सुमन ना कर यार, तो मत फेंक उस पे फेंक। तुमने मुझे बहुत तंग किया था, सुमन उसका बर्थडे मेरा नहीं है। उसी को करो, उसी को बर्थडे मेरा नहीं है। और इसके भी इसके यार बर्थडे जिस
नाम शादी यार मुंह दे यार ये क्या या अल्लाह ओह माय गॉड ओह माय गॉड ये देखो मेरी क्लासेस की हालत। तो विशाल के बर्थडे सेलिब्रेट करके अभी हमने खाना खाया है और अभी हम लोग आए हुए हैं आसमान कॉर्निश और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने मज़े की जो है ना पानी की लहरें और वाह क्या बात है। हम यहाँ पे वैसे बहुत आया करते थे पहले जब हम स्टार्टिंग स्टेज में जो है ना यूएई में थे, तो ये जगह जो थी ना हमारी हमेशा जो है वो होती थी रेगुलर होती थी यहाँ आने के लिए। तो ये अभी बड़ी सर्दी हुई है और उधर बैठने की कोशिश की जाती है उसके बाद जो है हम लोग घर। हाँ तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर वापस और इट वॉज अ वेरी टायरिंग डे। सुबह के 4 बजने वाले हैं और आज मामा ने खूब इंजॉय किया। क्यों मामा? मामा हमेशा कहती है मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर लेके जाओ घुमाओ फिराओ, घर में क्या रखा है, घर पे सारे काम खत्म है। तो खैर आज मामा का अच्छा दिन था, मेरा भी अच्छा दिन था, आई एंजॉयड लॉट। अभी घर चलते हैं और बस यही करती हूँ मैं आज के व्लॉग को एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।